सदर सांसद रवि किशन ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कहा कि 100 दिन का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो भी टारगेट अपने मंत्रियों को दिया था वह सभी टारगेट मंत्रियों ने पूरा किया है, जिसमें गोरखपुर नंबर एक पर है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने जो भी कहा था वह पूरा किया है। बरसात के समय में यहाँ पर जल जमाव होता था, अब 2 घंटे में पानी निकल जाता है। गोरखपुर में नौकायन फर्टिलाइजर प्राणी उद्यान केंद्र एम्स को बनाया गया है। यहाँ पर 4 लेन 6 लेन सहित सड़कों का जाल बिछ गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अद्भुत बीते 100 दिन। महाराज जी ने जो जो टारगेट अपने मंत्री जी लोगों को दिया था, वो सब ने अपना टारगेट पूरा किया। उस टारगेट की श्रृंखला में गोरखपुर नंबर वन पर आ चुका है। जो जो कमिटमेंट हुई थी, वो शिविर लाइन थी, पानी यहाँ पर जल जमाव होता था, अब 2 घंटे में पानी निकल जाता है। बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर 70 साल से पानी लगता था, ये सारे कार्य आप देख रहे हैं कि ये सुंदर एक स्वर्ग जैसा अशफाकुल्ला, ये चिड़ियाघर, ये आप कभी सोचे नहीं थे। नौकायन देखिए, एम्स देखिए, फर्टिलाइजर देखिए, चिड़ियाघर, 4 लेन 6 लेन से लेके एयरपोर्ट देखिए। अभी हम 44 एकड़ का जमीन पारित करवा दिए, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो ये अनगिनत श्रृंखलाएँ, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, जैसे बाबा गोरक्षनाथ की कृपा बरस रही है। पूज्य महाराज जी की विशेष कृपा, गोरखपुर आज चमक रहा है और आज हिंदुस्तान की नज़र गोरखपुर पर। गोरखपुर इस वक्त विकास के रूप में चर्चा का विषय है। समस्त, मैं पार्लियामेंट जाता हूँ वहाँ भी, और समस्त भारत में जहाँ भी जाता हूँ लोग गोरखपुर की चर्चा करते हैं। गोरखपुर आज बहुत ऊँचाई पर है।